और उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रेस्क्यू अभियान तेज किया गया है मशीनों को, और साथ ही साथ 5 दिन से ये रेस्क्यू चल रहा है। और केंद्रीय राज्य मंत्री जो वीके सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीके सिंह इस वक्त उत्तरकाशी में टनल पर पहुंचे हुए हैं, वीके सिंह जहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है उसका जायजा लेते हुए, और वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं जो रेस्क्यू का काम जो लोग कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। यहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, चीजें भेज दी गई हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया जाए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पिछले 5 दिनों से अगर बात की जाए तो 40 जो जिंदगियां हैं वो इस वक्त टनल में फंसी हुई हैं जिन्हें निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। साथ ही साथ रेस्क्यू के लिए अमेरिकी ड्रिल मशीन का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, हर घंटे 5 मीटर ये मशीन ड्रिल करती है और टनल में 102 घंटे से ज्यादा वक्त जो अब तक बीत चुका है 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 12 नवंबर की वो तारीख थी, सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा अचानक से धस गया और देखते देखते अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच जो है बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के बताए जा रहे हैं। सर, भारत सरकार ने इतनी अच्छी मशीनें भेजी हैं तो आज माना जाए कि रेस्क्यू स्टार्ट हो जाएगा आज? देखिए, काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी है और जितना जल्दी काम शुरू हो इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। जगह तो जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है कैसे। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है? जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं, मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को आपने सुना जो मौके पर पहुंचे हुए थे, जायजा लिया, निरीक्षण किया और किस तरह से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है उसको समझते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ मशीनें पहले जो है भेजी गई थी उनमें दिक्कतें थी, उसके बाद से अब दूसरी मशीनें भेज दी गई हैं। अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अजीत, उत्तरकाशी की तस्वीर हमने देखी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, मैं यही मौके पर हूँ और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह अंदर टनल में प्रवेश कर गए हैं, एनडीआरएफ के जवान उनके साथ हैं और जिलाधिकारी अभिजय गुरेला और जो अपना कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अफसर हैं और जो देश विदेश से यहाँ पर साइंटिस्ट बुलवाए गए हैं, पूरे के पूरे हमले के साथ वो सुरंग के अंदर इस समय प्रवेश कर गए हैं और वो वहाँ उस घटनास्थल को देखना चाहते हैं कि जहाँ पर 40 लोग, जिस मलबे के बाद 40 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। तो जनरल वीके सिंह आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे, उन्होंने पहले सब बाहर लगे मानचित्र में सब चीजों को, सुरंग के भीतर की चीजों को बाहर लगे मानचित्र में समझा और वैज्ञानिकों ने उनको सारी चीजें समझाई और समझने के बाद वो फिर बातचीत करने के बाद फिर अभी इस समय टनल में चले गए हैं और इस समय अंदर टनल में है और वो वहां की चीजों का जायजा ले रहे हैं, हालात कैसे काबू पाए जा सकते हैं और किस तरह के संसाधन की जरूरत होगी, वो सब इन सब चीजों पर बातचीत कर रहे हैं और वो घटनास्थल पर ही है जहां मलबा पड़ा है, चूंकि वो 270 मीटर के अंदर है और अभी 2-3 मिनट पहले ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया है टनल में और उनके साथ तमाम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आला अधिकारी और साइंटिस्ट भी मौजूद हैं जो नॉर्वे, फिनलैंड और थाईलैंड से बुलवाए गए हैं, जिनको सुरंग के रेस्क्यू करने का, सुरंग के भीतर से रेस्क्यू करने का वो सर्वोत्तम अनुभव है विश्व का, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर बुलवाए गए जी। अजीत, रेस्क्यू की अगर बात की जाए, रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट, क्या उसको शुरू कर दिया गया है? देखिए, जो कल भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से जो मशीनें आई थी
एक ही मशीन है और वो चार विमानों के जरिए यहाँ पर लाई गई है डिसेंबल करके है। तो यहाँ पर उसकी असेंबलिंग हुई, उसकी असेंबलिंग का काम पूरा हो चुका है, अब केवल उसका जो फाइनल ट्रायल है वो चल रहा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चलने के बाद कोई गड़बड़ी हो, तो उसको पूरा होक बजाकर अपने पूरे कील कांटे दुरुस्त करके वो मशीन को अब चलाने की तैयारी हो रही है। अब कुछ ही देर बाद वो मशीन ड्रिलिंग शुरू कर देगी और वो बहुत हैवी मशीन है और उम्मीद की जा रही है कि ये मशीन इसका ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। जी अब बिल्कुल तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, उत्तरकाशी पहुंचे हुए मंत्री वीके सिंह लगातार निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और एक मैप के जरिए जो इस पूरा रोड मैप उसको समझते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मजदूर फंसे कहाँ हैं। लगातार मशीनों की हम बात कर रहे हैं अजीत, किस तरह की चुनौतियां इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले अधिकारियों के सामने है? चुनौती केवल एक ही है, क्योंकि जो परसों जो मशीन यहाँ पर लगाई गई थी उसका आगे बड़ा बोल्डर आने के बाद वो उसका आगे की साफ जो छेद कर रही थी, जो ड्रिल कर रही थी वो टूट गई और ऐसे में बड़ा एक निराशा का माहौल पैदा हो गया। फिर कल सुबह या परसों रात से ही इस पूरे मामले में पीएमओ इन्वॉल्व हुआ और यहाँ की राज्य सरकार ने केंद्र से बात की तो तब ये भारतीय वायुसेना के विमानों से ही मशीन भेजी गई। इस मशीन की खासियत ये है कि ये इसकी क्षमता ये है कि एक घंटे में तकरीबन 5 मीटर ड्रिल करती है और जो बोल्डर जैसी चीजें होती है इसके ऑपरेशन में हर्डल पैदा नहीं कर सकती, इतनी हैवी और पावरफुल मशीन है। और तीसरी बात यह है कि यदि कोई खुदा खासा कोई अंदर लोहा या कोई वाहन या कोई जेसीबी मशीन मलबे में दबी हो और वो ब्लेड के सामने आ जाती है तो उसका भी एक प्लान भी इन्होंने तैयार किया है। जैसे वो ब्लेड उस पर टकराएगा मशीन को पता चल जाएगा मशीन बंद होगी और फिर वेल्डिंग से उस लोहे को अंदर जाकर पाइपों के अंदर जाकर काटा जाएगा। तो इंतजाम पूरा किया हुआ है, अब देखते हैं कि शाम तक किस तरह की कामयाबी मिलती है। अब बिल्कुल थाईलैंड से भी मदद ली जा रही है, वहां से भी चीजें समझने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2018 में भी थाईलैंड में जूनियर एसोसिएशन फुटबॉल टीम के 12 मेंबर्स फंसे थे और तब रेस्क्यू किया गया था। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि थाईलैंड के साइंटिस्ट बुलाए गए हैं जो टनल स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे से भी बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं जो केवल टनल के क्षेत्र में काम करने के लिए पूरे विश्व में विख्यात माने जाते हैं। और टनल का जैसा 2018 का थाईलैंड का घटनाक्रम आपने बताया, इस तरह के ही जो उनमें इन्वॉल्व रहे हैं और सक्सेसफुली उन्होंने ऑपरेट किया है तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलवाया गया है। तो यहाँ पर वो उनकी कंसल्टेंसी लगातार चल रही है, संसाधन पूरे जुटा लिए गए हैं, कुछ ही देर में इस मशीन के शुरू होने की संभावना है। वीके सिंह कितनी देर और यहाँ पर रुकने वाले, कोई जानकारी इसको लेकर अजीत? इसकी अभी कोई अपडेट जानकारी तो नहीं है क्योंकि वीके सिंह अपने पूरे एमएलए के साथ टनल के भीतर हैं, टनल के जहां वो मलबा पड़ा है। जी बिल्कुल अजीत, कल की एक तस्वीर का जिक्र कर लेते, कल एक तस्वीर देखी थी जहां नाराज मजदूरों की पुलिस से झड़प हुई थी, आज भी वहां पर मजदूरों की भीड़ होगी, क्या उसको लेकर कोई एहतियातन बरता जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि उस तरह की तस्वीर दोबारा न देखने को मिले? नहीं, यहाँ पर आज इस तरह का कोई नजारा नहीं है क्योंकि मैं मौके पर मौजूद हूँ और किसी तरह की यहाँ कोई गैदरिंग नहीं है। और वो जो कल का गुस्सा था वो जायज था क्योंकि उनके लोग पिछले 2-3-4 दिन से टनल के भीतर फंसे हुए हैं, लोगों को अपने परिजनों की चिंता होती है कि संकट में है, तमाम शंकाएं दिमाग में होती है तो आक्रोश होना लाजमी होता है। उन्होंने कंपनी के कामकाज पर भी सवाल उठाए कि ये बहुत एक्टिव होकर काम नहीं कर रही है, तो ऐसी तमाम चीजें थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत ढंग से हैंडल किया। और जिस समय यहाँ पर वो हंगामा हो रहा था यहाँ पर टिहरी की सांसद भी यहीं पर थी तो उनको भी यहाँ पे बहुत स्मूथली कहा कि भाई आप यहाँ मूवमेंट ना करें क्योंकि नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार को भी एक कदम ये जरूर उठाना चाहिए कि पॉलिटिकल वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा जो भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो इसमें पूरी तरह से यहाँ पूरा आमला उनकी आवभगत में लग जाता है और काम डिस्टर्ब हो। तो अभी तो आज ऐसा कुछ गैदरिंग या कुछ तरह का कोई आक्रोश यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है अजीत, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो टनल हादसे का जायजा लेते हुए वीके सिंह नजर आ रहे, वायुसेना की मदद से ऑगर मशीन जो है वो लाई गई है, 25 टन भारी मशीन को इंस्टॉल कर लिया गया और उसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, फिर पाइप जो है डाली जाएगी और उस पाइप के जरिए उस पाइप के अंदर से एक एक करके 40 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। 35 मीटर मलबा हटाने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, मलबे को भेद कर या होल कर कह सकते हैं स्टील के पाइप को डाला जाएगा और स्टील पाइप के सारे के सारे मजदूर बाहर एक एक करके आएंगे। इसके लिए थाईलैंड नॉर्वे के इंजीनियर की मदद जो है वो ली जा रही है और उसके पीछे भी वजह है कि दरअसल थाईलैंड में 2018 का एक वाकया था जब फुटबॉल टीम जो एक घूमने के लिए निकली थी और उसी दौरान 12 मेंबर्स
और जो कोच थे गुफा में फंस गए थे अचानक तेज बारिश होने की वजह, उसके बाद से 18 दिनों तक ये फुटबॉल टीम जो गुफा के अंदर फंसी थी, और फिर 18 दिनों के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया था। इसलिए थाईलैंड की भी मदद ली जा रही है ताकि उनके एक्सपीरियंस को, उनके उस अनुभव को उपयोग करके, यूज करके कैसे इन लोगों का रेस्क्यू करना है, कितना सेफ ये रेस्क्यू हो सके, ये ध्यान में रखते हुए थाईलैंड की लोगों से मदद जो है ली जा रही है। और फिरोजाबाद से खबर है जहां कार ने पाई